हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के समान होना चाहिए। अगर सास बहू को बेटी माने तो बहू का भी फर्ज है कि सास को माँ का दर्जा दे। एक दूसरे के प्रति सम्मान भावना, एक दूसरे की केयर होनी चाहिए। कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, तो बहू से पहले सास इस घर में आई तो ज़्यादा उन्हें इस घर का अनुभव होता है, तजुर्बा होता है, क्योंकि वो हमसे पुरानी है, उन्होंने देखा हुआ है। तो ये सब अपनी बहू को सिखाएं। ज़्यादा हो तो आधा आधा काम बांट लें। अगर के हम ये कर लेते हैं, तुम ये कर लो, तो ऐसे आधा आधा काम बांटने से एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। कि बहू को ये ना लगे कि मैं नौकरानी हो गई हूँ इस घर में आके, या मैं ही लगी रहती हूँ। तो थोड़ी मदद हो जाती है। और बहू को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर सास बीमार है, अगर वो कुछ कर नहीं सकती या बैठी है, तो सास का फर्ज बनता है कि वो कहे बहू से कि लाओ मैं सब्जी काट देती हूँ, या बच्चों की तेल मालिश कर दें, या सास अगर ज़्यादा ही बीमार हैं तो एक नौकरानी लगा दें, कि इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। और बहू का भी फर्ज बनता है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हों, और सास का फर्ज है कि बहू को छोटी छोटी बातों पे ताने ना मारे कि तुम अपने घर से क्या सीख के आई हो, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है। आजकल की सासें बोलती हैं कि थोड़ा सा काम बिगड़ गया, बहू से बोलती हैं कि तुम्हारी माँ ने कहाँ सिखाया, ये सीख कर आई हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे मनमुटाव होते हैं। और अपनी बहू को सास बेटी के समान ही समझे, जैसी हमारी बेटी ऐसी ये बेटी। क्योंकि जब रिश्ता होता है तो लड़की सोचती है कि मुझे ससुराल जाना है, तो मेरी सास कितनी डेंजर होती है, सास के नाम से डर जाती है। तो ऐसी मन में भावनाएं ना हों, ऐसी अपनी बहू केयर करें। और बहू का भी फर्ज है कि वो ज़्यादातर अपने ससुराल पर ध्यान दें, मायके पर ध्यान ना दें। कि छोटी छोटी ससुराल की बातें मायके कह दी कि हम ऐसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, तो ऐसे में रिश्ते खराब होते हैं। हमें रिश्ते बिगाड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो अपने घर पर ध्यान दें। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।